हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। मैं हूं समित पाल सिंह और हमारे साथ आज जुड़े हैं मुकेश सर। मुकेश सर, आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि एनडीए क्या है और हम ये भी जानेंगे कि चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी एनडीए ज्वाइन कराने में आपकी मदद कैसे करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं मुकेश सर से यही जानना चाहूंगा, मुकेश सर, हमारे व्यूअर्स मोस्टली अभी यही जानना चाहते हैं कि एनडीए आखिर में है क्या। एनडीए समित सर, सबसे पहले तो इट इज़ नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो फुल फॉर्म है। ये एग्जाम पूरे देश भर के बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है। ये यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ओके। और इसमें जो बच्चे हैं वो प्लस टू के बाद जो बच्चे एज इट इज हैं, जो प्लस टू में अपियर हो रहे हैं, जो प्लस टू दे चुके हैं, वो इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं। तो आपने सुना, जैसे जो 12th में अपीयरिंग है वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो एनडीए क्लियर करके किस फील्ड में जाता है स्टूडेंट? एनडीए जो है समित सर, जिनमें देश सेवा की भावना है, जिन्हें देश के लिए कुछ कर गुजरना है, वो बच्चे इस फील्ड को चुनते हैं। और फिर भारतीय फौज में वो कैप्टन की पोस्ट पे बेसिकली जाते हैं, जब वो एनडीए का टेस्ट क्लियर करके 3 साल अपनी अकेडमी में तैयारी करते हैं खड़गवासला पुणे में। ओके। तो ये जो एनडीए है, ये इसकी क्या क्वालिफिकेशन क्या है एग्जाम में अपीयर होने के लिए? कोई एज लिमिट है ऐसा कुछ? समित सर, जो उम्र की सीमा है वो है 16.5 साल से 19.5 साल। ओके। और बच्चा जो भी एज इस उम्र में है वो इसको अटेम्प्ट भी कर सकता है। सबसे अच्छी चीज ये है समित पाल सर कि ये साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। ये साल में 2 बार होता है, अप्रैल में भी होता है और सितंबर में भी होता है। तो बच्चों के लिए ये बहुत बेहतरीन मौका है कि एक साल में वो 2 बार एक ही पेपर को एज इज ट्राई आउट कर सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने सुना, एनडीए साल में 2 बार होता है, एज लिमिट भी आपने जान लिया। इसका मेनली इसका जो एग्जाम होता है किस पैटर्न पे होता है, क्या सिलेबस है, जनरल आइडिया अगर हम व्यूअर्स को देना चाहें? जनरल अगर हम कहें समित सर, तो इसमें हमें 2 पेपर देने होते हैं कैंडिडेट्स को, जिसमें एक तो होता है कंप्लीट मैथमेटिक्स का, एक मैथ्स का पेपर होता है, 300 मार्क्स वो कैरी करता है टोटल पेपर, और 2.5 घंटे उसके लिए दिए जाते हैं उस पेपर को अटेम्प्ट करने। 300 मार्क्स, 2.5 घंटे मैथ्स का पेपर, याद रख लीजिए व्यूअर्स। हाँ जी। और दूसरा होता है इसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम गैट बोल देते हैं, जीएटी बोल देते हैं, एक जनरल एबिलिटी का टेस्ट भी होता है। ये पेपर पूरी तरह से संतुलित है सभी बच्चों के लिए, जो भी कोई आर्ट स्ट्रीम का है, कोई नॉन मेडिकल स्ट्रीम का है, क्योंकि इसमें सब इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर एक हिस्सा आता है। तो ये भी ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का पेपर होता है समित सर, और ये टोटल कैरी करता है 600 मार्क्स। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने जाना, एनडीए एग्जाम होता है 2 पेपर्स का, एक होता है मैथ्स का और एक होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट का। अभी रिसेंटली न्यूज में ये भी आया था मुकेश सर के गर्ल्स भी अब एनडीए में, एनडीए के एग्जाम में अपीयर हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी यही न्यूज है व्यूवर्स के लिए कि गर्ल्स जो हैं वो 2021 की जजमेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, वो नवंबर जो एग्जाम हुआ था उसमें गर्ल्स अपीयर हुई हैं समित सर। और 1000 जो लड़कियां हैं उन्होंने 8000 में से 1000 सीटें तो बच्चों से, लड़कों से हथिया भी ली। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है कि अब बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए एनडीए ओपन है। सी, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी 12th में हैं या 10th में हैं, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि उनको एनडीए का एग्जाम देना है, तो अब बात आती है कि चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी एग्जाम की तैयारी कैसे करवाता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी जो हमने सुना है पिछले कई सालों से इस फील्ड में लगा हुआ है और हमने बेहतरीन रिजल्ट्स दिए हैं। सो हाउ डज सीडीए, चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी, टेक्स केयर ऑफ इट? एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है समित पाल सर, जो हमने इतने सालों में नोटिस किया है कैंडिडेट्स के साथ रह के, कि सबसे पहले तो उन बच्चों का माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है और मुझे इस फील्ड में जाना ही जाना है, बहुत जरूरी है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा व्यूवर से भी, कि जो पेरेंट्स हैं सबसे पहले तो वो अपने माइंडसेट को क्लियर करें कि वाकई में वो बच्चे को देश की सेवा के लिए भेजना चाहते हैं। बहुत जरूरी है, पेरेंट्स को अपने बच्चों का पता होता है तो अपना माइंडसेट पता होना चाहिए। बच्चों में वो बर्निंग डिजायर होनी चाहिए यहाँ पे, कि बर्निंग डिजायर सबसे इम्पोर्टेंट है, कि क्योंकि जब बच्चे में वो डिजायर होगी, उसमें वो आग होगी कि मुझे देश की सेवा करनी है, तब वो इस तरफ आएगा। क्योंकि ये कोई सरकारी जॉब तो है नहीं कि आपने 9 से 5 की जॉब करनी है, ये तो देश सेवा की जॉब है। क्या बात, तो ये समय देख के तो ये नहीं की जा सकती, ये तो आपकी भावनाओं से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, अगर देश के लिए प्यार नहीं है तो बिल्कुल, क्या बात बोली है मुकेश सर आपने, कि ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, लोग इसको नौकरी सोच के करते हैं। जब तक जज्बा नहीं होगा, जब तक वो डिजायर नहीं होगी, तब तक एनडीए में
मैं बोलूंगा कि पेरेंट्स जान लें, बच्चों को ना भेजें। अगर बच्चे में जज्बा है तो सीडी आपको बच्चा पूरा तैयार करके देगा एनडीए के लिए। और भी कुछ मेन कुछ क्वालिटीज बच्चे में हो सकती हैं, जैसे जज्बा, डिजायर हो गया। सबसे बड़ी चीज ये कहते हैं हम समित पाल सर कि बच्चा चाहे एवरेज हो, इसमें यहाँ पे कोई 100% मार्क्स वाले बच्चे की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे हमें 100% उसका एफर्ट चाहिए और उसके लिए हम लोग उसे पूरा यहाँ पे तैयार करवाते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है, कई बच्चे होते हैं कहते हैं मेरे तो 50-60% है, मैं अब क्या करूँ। तो हम कहते हैं मार्क्स की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे बात है कि आप अपने आप को फिजिकली कितना तगड़ा लेके चल रहे हो, मेंटली हम आपको प्रिपेयर करेंगे ताकि आप वाकई उस एग्जाम को क्रैक करके देश सेवा में जा सकते हैं। और जितना मैं जानता हूँ शायद एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 40-50% नंबर लेने होते हैं उसमें। कट ऑफ इतना ही होता है समित सर, अराउंड 40% अगर हम इन दोनों एग्जाम्स जो मैंने आपको अभी कहे मैथमेटिक्स और जीएटी, अराउंड 40 मार्क्स की कट ऑफ होती है, जिसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन जो टॉप 8,000 या 9,000 बच्चा है हर साल डिपेंडिंग ऑन यूपीएससी, उनको वो इस एग्जाम में क्लियर करती है फॉर एसएसबी। फॉर एसएसबी नेक्स्ट राउंड जो नेक्स्ट राउंड जो उसके बारे में भी हम बात करेंगे आने वाले टाइम में। तो जैसा कि आपने जाना कोई 100% वाला मार्क्स का बच्चा नहीं चाहिए एनडीए में, 40-50% क्वालिफाई कर देता है एनडीए को और उसकी फिर पूरी तैयारी कराता है आपको चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। मुकेश सर, तैयारी करवाने के लिए सबसे जरूरी आई थिंक होते हैं टीचर्स। बहुत जरूरी है समित सर, बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी जो है वो हर एक तरह से बच्चे को बेहतरीन तैयारी करवाती है। अब सबसे पहले पेरेंट्स के मन में आता है कि हम अपने बच्चे को अगर भेज रहे हैं चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी के पास तो हमारा बच्चा कितना साउंड और सिक्योर एनवायरनमेंट में है। तो हम ये बताना चाहते हैं व्यूअर्स को कि हमारे पास पूरी तरह से रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं समित सर। चंडीगढ़ के टॉप स्कूल्स हमारे बेसिकली पैनल्स में है जहाँ पे हम बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, उसके लिए हम लोग बेसिकली तैयारी करवाते हैं और पूरी तरह से उसका हर एक तरह से ख्याल किया जाता है तैयारी के लिए। रेजिडेंशियल स्कूल्स मतलब मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, आई थिंक आप कह रहे हैं कि वहां पे बच्चा स्कूलिंग भी वहीं करेगा। बिल्कुल, हॉस्टल भी उसी कैंपस में है। बिल्कुल समझ पा। और एकेडमी की जो टीचिंग है वो भी शाम को, सारी एक्टिविटीज वहीं पे, एक ही जगह, सब कुछ एक ही जगह समझ सर। पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी यही होती है प्लस वन प्लस टू में कि बच्चा कहाँ कहाँ भटकेगा, लेकिन यहाँ सब कुछ एक ही कैंपस पे दिया जाएगा, सब कुछ एक ही जगह पे उस बच्चे को प्रोवाइड होगा। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पेरेंट्स, क्योंकि जब भी बच्चों को भेजते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि, या गारंटी देना चाहते हैं, पूछते हैं हमसे कि क्या हमारा बच्चा सेफ एंड सिक्योर रहेगा। रेजिडेंशियल प्रोग्राम में ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। और दूसरा, आपका बच्चा टोटली 24 आवर्स उस एनवायरनमेंट में रहता है तो तरक्की बहुत होती है, नॉलेज बहुत आती है बच्चे को। तो ये स्कूलिंग में, एकेडमिक क्लासेस में, फिर मैं बात वही ले आता हूँ, टीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है समित पाल सर। और हमारे साथ जो हमारी टीम जुड़ी हुई है वो आप ये देखिए कम से कम दशकों पुरानी टीम है, जो पिछले 10-20 साल से इसी फील्ड में लगे हुए हैं और बच्चों को बेहतरीन रिजल्ट के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ऐसी फैकल्टी मिलना जिनके पास डिकेड्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और उस एकेडमी में आना जिसमें तैयारी करवाई जा रही है पिछले कई सालों से, इससे बढ़िया एनवायरनमेंट आपको कहीं मिल नहीं सकता। चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी देश की प्रीमियर एकेडमी है जिसमें एनडीए की तैयारी करवाई जाती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुकेश सर को कि आपने इतना जानकारी दिया व्यूअर्स को। तो डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, आइए आप हमारे कैंपसेस देखिए, हमारे स्कूल्स देखिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हमारे कुछ ऑनलाइन वीडियोस भी देखिए और आने वाले वीडियोस में हम आपको अपनी फैसिलिटीज के बारे में भी और बताएंगे। सो कम एंड जॉइन अस एंड मेक योर ड्रीम्स कम रियलिटी। सो गुड बाय फॉर नाउ। जय हिंद।